हेलो एवरीवन, आज एक और साइट ऑफ बॉटल बॉटल आर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक साइड पे मैंने महावीर जी बना रखे हैं, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सेकंड साइड आज हम गणेश जी बनाएंगे। इस बार मैंने मोल्डेड लिया है, घर की क्ले नहीं ली है। और अब हम दोनों मोल्डेड के जो भी दोनों पार्ट्स आते हैं उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम पाउडर अपने हाथ पे लगा लेंगे जिससे कि वो स्टिक ना करे हमारे हाथ पे। मिक्स करने के बाद बस अब हम शेप देते जाएंगे गणेश जी की और फेविकोल से उसे पेस्ट कर देंगे। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं होममेड क्ले यूज़ करती हूँ तो मेरे को फेविकोल नीचे बेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेस्ट करने के लिए। बट मोल्डेड के साथ ऐसा नहीं है, इसे हमें किसी भी सरफेस पे पेस्ट करने के लिए इसके ऊपर क्ले लगा इसके नीचे फेविकोल लगाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि पेस्ट हो जाए। ये छोटी छोटी हमने बहुत सारी लीव्स बना ली हैं जो कि शेप देख के ऊपर नीचे हमने इसे पेस्ट कर दिया एक लुक देने के लिए। अब जो भी डिज़ाइन चाहे वो हम बना सकते हैं।
बस अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये सूख के बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसमें कलर करेंगे।
ज़रा सा गोल्डन डस्ट का टच दूंगी, जब तक वो नहीं देती मुझे मज़ा नहीं आता। हल्का सा शाइनिंग जो है बहुत ही सुंदर लगती है, तो ऐसे ही उनके मुकुट में और लीव्स में हल्की हल्की सी गोल्डन टच जो है वो दे दूंगी, खाली हल्का सा ब्रश जो है वो फिरा दूंगी। गणेश जी तो हमारे पेंट होके तैयार हो गए हैं, अब ये आसपास जो भी ख़राब सा हो रहा है उसे हम ठीक करेंगे। मैंने वाइट कलर लिया है गणेश जी के आसपास करने के लिए, क्योंकि येलो ही गणेश जी हैं, येलो ही बेस है, तो थोड़ा सा गणेश जी को एनहेंस करने के लिए आसपास वाइट कलर्स जो है येलो में मर्ज कर देंगे हम।
शेडिंग दे दी है हमने, बस अब एक फिनिशिंग टच जो है नग के साथ वो रह गया है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बॉटल आर्ट कैसी लगी, और आप इसे कहाँ पे बनाएंगे। मुझे इंस्टा पे फॉलो करिएगा और DIYs के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।